गुड मॉर्निंग आराधना बच्चों, क्लास 11 के केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन शुरू किया गया है। उसका एनसीईआरटी सवाल कराया जा रहा है, जिसमें कुछ सवाल कराए जा चुके हैं। उसके आगे के क्रम में आज आप लोग देखिए, तो चलते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर चार का दो पार्ट बताया जा चुका था। 3,4-dimethylheptathrene, ये यहाँ तक की बात हो जा चुकी थी। तीसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है 2-ethyl-but-1-ene दिया है। 2-ethyl-but-1-ene ये सवाल दिया गया, तो चलिए देखिए। CH2 double bond CH2CH3 यह है आपका 2-ethyl-but-1-ene, ठीक है। अब इसके और जो हम डिस्कस करेंगे, O3 से क्रिया करेंगे। अब यहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पे जुड़ता है, ये चीज देख ही रखिएगा। हो जाएगा CH2 single bond C, और यहाँ आ गया आपका O, यहाँ आ गया O, और इस CH3 से क्या जुड़ा है आपका C2H5 जुड़ा है, और क्या है CH2CH3, ठीक। ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं CH2O को हम क्या लिख सकते हैं, HCHO। CH2O को हम लिख सकते हैं HCHO, और देखिए इधर क्या बन रहा है, CH3CH2CO C2H5, CH3CH2CO C2H5, इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन है इसमें, इसका नाम है पेंटेनोन। कितने पे CO है, 3, पेंटेनोन 3, और इसका नाम क्या है, मीथेनन। ये मीथेनन है और पेंटेनोन 3 है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, 1-ethyl-but-1-ene चौथा है, 1-ethyl-but-1-ene ये सवाल है, 1-ethyl-but-1-ene चलिए देखते हैं। C6H5 को हम एनिल ग्रुप कहते हैं, इसकी जगह पे हम रिंग का यूज कर सकते हैं। CH double bond 1-ethyl-but-1-ene CH CH2 CH3 1 2 3 4, ये ब्यूटीन 1 है और पहले कार्बन के लिए एनिल लगा है। इसकी क्रिया जब हम O3 मॉलिक्यूल से करते हैं तो देखो डबल बॉन्ड जहाँ है वहीं पर जुड़ना है आपका ओजोन। ये हो गया CH, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में, O3 आपका यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखो CH2CH3 लगा है, ये ओजोन वाला कंपाउंड बन गया। अब जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर दीजिए,
जड़यन वाटर मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखो जब इतना टूट जाएगा तो ये क्या हो रहा, C6H5CHO, यानी कि हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका है CHO, C6H5CHO है। इसके बाद देखो CH3CH2CHO बन रहा है, यहाँ लिख सकते हैं CH3CH2CHO। इसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन है प्रोपेन, माइनस तीन प्लस, अब क्या हो जाएगा प्रोपेनल। और इसका नाम क्या होगा, बेंजल डिहाइड, इसका नाम क्या है बेंजल डिहाइड, स्क्रीन शॉट ले लो। चौथा था ये हो गया, क्वेश्चन नंबर चार का चारों कंप्लीट, स्क्रीन शॉट ले लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की ओर, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर पांच की ओर चले, देखिए क्वेश्चन नंबर पांच, एक एल्कीन है जिसके ओजोनीय अपघटन से पेंटेन, थ्रियोन और एथेनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, एक आईयूपीएसी नाम और संरचना दीजिए। ठीक है, कोई एल्कीन, एल्कीन ए है जिस पर ओजोन की क्रिया से दो कंपाउंड पेंटेन थ्रियोन बन रहा है और एथेनॉल बन रहा है। कह रहा हुआ एल्कीन ए क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एल्कीन वो आपकी क्या है जिस पे ओजोन की क्रिया करने से पेंटेनॉन थ्री और एथेनॉल का मिक्सचर दे रहा है। तो देखो बच्चों, जब इस तरीके से कोई भी सवाल आता है कि इसके ओजोनोलिसिस से ये दोनों बन रहे हैं, सबसे पहले इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के देखो कुछ कॉमन होगा और निकाल दीजिए, निकालने के बाद असंतृप्तता नजर आएगी वही होगी वो एल्कीन। तो देखो पेंटेनॉन थ्री स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, CH2CO CH2CH3, यह है आपका पेंटेनॉन थ्री। ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, CH3CHO, और इसी CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, दोनों को कंबाइन कर देने की बात है। तो हम इसी चीज को पेंटेनॉन थ्री को और कैसे ड्रा कर सकते हैं, देखो CH3CH2CH2CH3, यही ये भी है पेंटेनॉन थ्री लिया। इसके बाद देखो CH3CH3, यह है आपका एथेनॉल। ठीक है, दोनों को जोड़ के कॉमन देखो ऑक्सीजन यहाँ से O2 के रूप में निकल सकती है, जब इसको निकाल देंगे आप माइनस O2 निकल जाने के बाद देखो क्या मिल रहा आपको, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, और फिर देखो डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, यह है अभी इतना जो बचा है इसको हम नीचे ही जोड़ देते हैं CH2CH3, यही वो एल्कीन है, यही वो एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस पर आपका एथेनॉल और पेंटेनॉन थ्री प्राप्त होते हैं। अब अगर इस चीज का हमको सत्यापन करना है, हम इसका ओजोनोलिसिस करा के देख लें दोनों बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इस एल्कीन का नाम क्या होगा, देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5,
या हम तीन के बाद चार पांच यहाँ आ सकते थे। थ्री के सी टू एच फाइव है, क्या लिखेंगे, थ्री ए फाइव। पांच कार्बन है तो पेंट, दूसरे पर डबल है तो टू ई। थ्री एथिल पेंट टू ई या थ्री एथिल पेंटीन टू बन जाता है। अब अगर हमको पता करना है कि यही वह यकीन है कि नहीं है, तो इसी का हम क्या कर देते हैं, या आपका सलूशन है, यहीं से लिखिएगा इसको फर्स्ट में। अगर अगर हमको सत्यापन करना है तो क्या लिख सकते हैं, सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड, यहाँ भी हो सकता है आपका सी टू एच फाइव, दोनों कंबाइन कर दो, डबल बॉन्ड सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। अगर ये अल्किन सही है तो जब इस पे हम ओ थ्री डालेंगे तो ओजोनाइट बनना चाहिए, ओजोनाइट बनने के बाद हाइड्रोलाइज कर दे तो ये दोनों हमको मिलने चाहिए। देखो सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी सी टू एच फाइव, यहाँ डबल बॉन्ड है, यही आपका ऑक्सीजन जुड़ने जा रहा है ऐसे, देखो जो जोड़ दिए हम, और फिर ये है आपका सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच। ठीक, अब अगर हम इसका जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो ये यहाँ से ये यहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा। अब आप देखो ये क्या दे रहा है, एक तो दे रहा है सी एच थ्री सी एच टू, फिर देखो सी ओ और सी टू एच फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, सी एच टू सी एच थ्री, और दूसरी ओर क्या दे रहा है सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी एच ओ दे रहा, यही है देखो पेंटेगॉन थ्री और एथेनॉल दे रहा है। इसका मतलब आपका यही यकीन होगी ये बात सत्य है। ठीक है, तो इसको आप स्पष्टीकरण के लिए जाके कर सकते हैं कि हम इन दोनों से यही यकीन बनता है। इस चीज को हम सत्यापन कैसे करेंगे, अगर ये यकीन है तो ओजोन के साथ यही दोनों प्रोडक्ट आने चाहिए जो कि आ रहे हैं। इसका मतलब कि आपका कौन सा यकीन होगा, थ्री एथाइल पेंटेन टू सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर छः की बात देखो, क्वेश्चन नंबर छः की बात देखिए, क्वेश्चन नंबर छः में आपका है एक एल्केन ए में तीन सिग्मा सीसी आठ सिग्मा सीएच बन और एक सीसी पाई बन है। एक ओजोनी अपघटन से दो अणु एल्डिहाइड देता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, एक आईयूपीएसी नाम लिखो। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसमें जो ये कह रहा है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कौन सा एल्डिहाइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, इसी से आप पता कर लेंगे। सवाल में दिया है कि मॉलिक्यूलर वेट 44 है। चलते हैं एल्डिहाइड श्रेणी में, सबसे पहला है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है एसिटाल्डिहाइड, तीसरा है प्रोपेनल्डिहाइड, ऐसे हैं ये, इसी में चेक करते हैं चले जाते हैं किसका मॉलिक्यूलर वेट 44 आ रहा है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, 12 दो 14, 14 और 16 जोड़ो 30, इसका मतलब ये होगा। इस पे आते हैं 12 दूनी 24 और 4 28, 28 और ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का 16, 28 और 16 जोड़ो 44, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 44। अब जो इसमें कह रहा है उसकी कंडीशन देखते हैं, सी
CH3 स्ट्रक्चर देखो, CHO कह रहा, CH3 CHO। अब देखो क्या इसमें सिग्मा और पाई बांडों की स्थिति दिख रही है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन, चार, पांच, छः, छः सिग्मा दिख रहे हैं CH3 CHO। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, CC के बीच 3 सिग्मा, CH के बीच में 8 सिग्मा और CC के बीच में 1 पाई। तो चलो एक बार देखते हैं, CC के बीच में 1 सिग्मा और C और किसके बीच में है, देखो एक बार, CC के बीच में 3 सिग्मा, C और C के बीच में 3 सिग्मा, कहाँ से, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। इसके बाद CH के बीच में 8 सिग्मा, CC के बीच में 1 पाई, तो CC के बीच में 1 पाई कर रहा है, ठीक है, CC के बीच में एक पाई है। चलाएं अमोनियम बटन से दोनों डिहाइड देता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है। चलो देखो पहले इसी को देखो एक बार, यहाँ से नहीं आ रहा, ये क्लियर नहीं होगा आपको, देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट 44 है, ठीक है, इसका मतलब ये डिहाइड आपका कौन सा है, CH3 CHO। अब देखो CH3 CHO पहला 2 अणुओं डिहाइड देता है, ऐसे देखो CH3 CHO बोल तू यहां से रिलीज करा दो, अभी देखो क्लियर हो जाएगा कौन सा कंपाउंड देगा, बोल तू यहां से निकाल देते हैं। अब आपका कंपाउंड क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, यही कंपाउंड बनेगा, इसका नाम क्या है, ब्यूटीन टू ये है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो, भी पता चल जाएगा कितने सिग्मा कितने पाई बार। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया। अब इसमें काउंट करो कितने सिग्मा हैं, अब देखते हैं इसमें सवाल के, देखते हैं आपका कह रहा है CC 3 सिग्मा, C और C के बीच में 3 सिग्मा, पहले सर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 सिग्मा, तो देखते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, C और H के बीच में 8 सिग्मा, 1 2 3 4 5 और देखें ये तो पाई हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 सिग्मा बन रहे हैं। तो C और H के बीच में 8 सिग्मा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो फिर से देखते हैं, 3 4 सिग्मा इधर है, 4 सिग्मा इधर है, C और H के CH में टोटल 8 सिग्मा, CC में 3 सिग्मा कह रहा है, C और C के बीच में 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, और देखते हैं CC के बीच में 1 पाई, यहाँ देखो 1 पाई है, ये C और C के बीच में 1 पाई है। अब ये कंपाउंड आपका कौन सा होगा, ब्यूटीन टू, और किससे मिलकर बना है, एथेनॉल से, ठीक है, यही कंपाउंड है। अगर इसका भी हमको सत्यापन करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको हमने एक तरीका बता दिया, स्पष्टीकरण। अगर इसका भी हमको सत्यापन करना है
क्या करेंगे, इसका ओजोनोलिसिस करा देते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और इसी पर O3 का रिएक्शन कर देते हैं, तो CH3 CH हो गया, ये CH CH3 डबल बॉन्ड आपका चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अब यहाँ से इसको तोड़ दो, यहाँ से इसको तोड़ दो, ये किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा। तो देखो CH3 CH CH3 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 दो कंपाउंड मिल रहे हैं, वही यहाँ पर हो रहा है। अगर इन दोनों जोड़ देंगे तो ब्यूटीन टू बन रहा, ब्यूटीन टू का ओजोनोलिसिस कर देंगे तो आपका एसिटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 6 इसमें स्टार्ट करो। सवाल नंबर 7 देखते हैं। एक यकीन जिसके ओजोनीय अपघटन से प्रोपेनॉल और पेंटेनॉल 3 प्राप्त होता है का संरचना सूत्र क्या है। ध्यान दीजिए, वही बात फिर घूम फिरा के आ जाती है। सवाल नंबर 7 कह रहा कोई एल्कीन है, क्वेश्चन नंबर 7, कोई एल्कीन जिसके ओजोनीय अपघटन से प्रोपेनॉल और पेंटेनॉल 3 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है आपका प्रोपेनॉल और पेंटेनॉल 3, ये प्राप्त होता है, वह एल्कीन कौन सी है। चले देखते हैं, तो कोई एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस से दोनों प्राप्त होते हैं, तो कैसे हम जानेंगे कौन सी एल्कीन है। तरीका हम आपको दिए, इन दोनों को जोड़ दो, ऑक्सीजन को निकाल दो, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, वही क्या होगा, ऐसी एल्कीन होगी। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और पेंटेनॉल 3, बात वही आई, सी डबल बॉन्ड पेंटेनॉल 3 और देखते हैं CH2 CH3 और CH2 CH3। ठीक है, यहां से वो तो निकाल दो, O2 के निकल जाने के बाद देखो क्या बच रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ देखो CH2 CH3 और इससे जुड़ा है CH2 CH3। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नाम, 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन में तीसरे पे एथाइल लगा है, नाम क्या होगा, 3-ethyl, छह कार्बन है, हेक्स, 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3-ethyl, 3-ethyl हेक्स 3-ethyl। ठीक है, तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लो। अब फिर स्पष्टीकरण वैसे कर सकते हैं, इसका ओजोनोलिसिस कर दोगे अगर ये दोनों देंगे तो रहेगा, ओजोनोलिसिस करोगे ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के दहन की समीकरण लिखो, पहला है ब्यूटेन, दूसरा है पेंटीन और तीसरा है हेक्साइन और चौथा है टॉलुइन, इनको करना क्या है आपको, दहन का समीकरण लिखना। ठीक है, पहले सबका लिख लेते हैं, C4H10 O2 के साथ रिएक्शन होगी, ध्यान दीजिएगा, पेंटीन का मतलब C5H10 ये भी O2 के साथ रिएक्शन करेगा,
हेक्साइन का मतलब C6H10, ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। और टॉलुइन का मतलब C6H5CS3, ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम किसी को जला दो, सब CO2 और H2O देते हैं, इसके साथ में ऊष्मा देते हैं। हाइड्रोकार्बन अगर जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। ये तो समीकरण हो गया, इसको बैलेंस करने की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम 27 13 का आधा करिए कितना आ रहा, 6.5, यानी कि अगर हम इसको 13/2 कर दें, इसको 15/2 कर दें, इसको 17/2 कर दें, इसको 9 कर दें। अब एक बार देखते हैं तो 17/2 का मतलब 13/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 6.5, 6.5 × 13। अब आ जाते हैं कार्बन पे कितना है, C4 है, यहाँ 4 लगा दीजिए, पहले 8, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 10 है तो 5, ऑक्सीजन मिल लो 8 × 5 = 13, 2 है 13 ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं C5 पे, आप 5 कर दो, 10 हुआ, हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ भी क्या कर देते हैं 5। अब ये काम कर दो, 15 ऑक्सीजन टोटल हुई, यहाँ देखो 10 × 5 = 15, क्लियर, 6 हुआ और 5 H2O, यानी कि 12 × 5 = 17 ऑक्सीजन, क्लियर, 6 कार्बन तो यहाँ 6 CO2, हाइड्रोजन देखो 8 हुआ तो 4 H2O। और आपका ऑक्सीजन कितना हुआ, 18, यहाँ देखो 8 हाइड्रोजन आपके यहाँ हो रहे हैं, वहां कितने हो रहे हैं, 8 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन 18 और 6 × 12, और कितनी ऑक्सीजन आ रही, 18, कार्बन कितने हैं, 6 7, सॉरी यहाँ 7 कार्बन, 14, और हाइड्रोजन कितना हुआ, 5 × 3 = 8 हो गया वो आपका, 14 × 4 = 18 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 9 × 18 ऑक्सीजन। स्क्रीन शॉट है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन शॉट ले लो इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, हेक्सोक्विन की सिस और ट्रांस संरचना बनाइए, इनमें से किस समावयवी का क्वथनांक अधिक होता है और क्यों होता है, यह आपसे पूछ रहा है। हेक्सोक्विन, चलो देखते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, CH2, CH3, यह है आपका हेक्सीन 2। कह रहा है इसकी समपक्ष और विपक्ष संरचना क्या करिए, तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C, और देखें इधर देखें CH, और इधर क्या लगा है CH2 CH2 और CH3, यह आपका हेक्सीन है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, देखो डबल
बॉन्ड सी सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। अब आप देखो हमने जब सिस ट्रांस समावयता बताई थी तो वहाँ पर क्या बताई गई थी आपको कि अगर द्विबंधित कार्बन परमाणु के किसी एक तरफ लगने वाले समूहों समान टाइप के होते हैं तो उसको सिस फॉर्म और अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं तो उसको ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। यहाँ देखो आप हाइड्रोजन एक ही तरफ लगे हैं तो इसको बोलेंगे सिस फॉर्म, और यहाँ देखो विपरीत सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं तो इसको बोलेंगे क्या ट्रांस फॉर्म। ठीक, सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। कह रहा है इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा तो सिस वाले का ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि सिस फॉर्म का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट अधिक है। जब इसका डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है तो इसी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। तो कौन सा आपका है? सिस टू एक्सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका है हेक्सीन टू। अब आप क्वेश्चन नंबर दस पे आ जाइए। कह रहा है कि बेंजीन में तीन द्विबंध होते हैं, तीन जगह डबल बॉन्ड होता है, फिर भी आधे का स्थायी होता है, ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन क्या है? कह रहा है कि बेंजीन में तीन द्विबंध होते हैं फिर भी आधा स्थायी क्यों है? ठीक है, देखो बेंजीन का स्थायित्व तो दो तीन बातों पर डिपेंड है। इसकी दहन ऊष्मा कम है और हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कम है, हाइड्रोजिनेशन हीट और कम्बस्चन हीट या कम्बेशन हीट, ये दोनों का मान कम है। इसके साथ साथ जो बेंजीन वाले है पहला तीन जगह डबल बॉन्ड है, एक रूप में फिक्स होता नहीं है, हमने अनुनाद की घटना में आपको बता दिया। ये देखिए ये बदलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड किसी दो कार्बन के बीच में स्टेबल नहीं है, ऊपर नहीं है। इस कारण केकुले एक साइंटिस्ट है, केकुले ने कहा था वास्तविकता तो ये होती है कि बेंजीन में कहीं द्विबंध होता ही नहीं है, हर जगह प्रत्येक कार्बन पर 1.5 की करेक्टर होती है, डेढ़ बॉन्ड की करेक्टर पाई जाती है, इसलिए बेंजीन में कहीं डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। तो ये क्या करता है? रिजोनेंस। इस घटना का नाम क्या है? रिजोनेंस। रिजोनेंस का मतलब क्या होता है? अनुनाद। ये अनुनाद की क्रिया करने के कारण अपना अस्थायित्व तो बना लेता है, अस्थायित्व तो इसका बढ़ जाता है। बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा 36 किलो कैलोरी प्रति मोल ये होती है। ये बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा की वैल्यू है, तो बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा 36 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। बेंजीन में अस्थायित्व अनुनाद के कारण बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? इसके पास तीन द्विआवर्त होते हुए भी यह स्टेबल रहता है। तो यहाँ तक की बात आप आज कर लीजिए, 10 क्वेश्चन आपके चैप्टर के हो चुके हैं, यहाँ तक आप आज तैयार करिए। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो दिए जाएंगे। इतना आज के लिए, धन्यवाद।